मेरे पीछे आप पैलेस देख सकते हैं। आज मैं हैदराबाद आया था ये देखने, तो ये 1214 में तमीर हुआ था और उसके बाद दो तीन जंगों में इसको तबाह बर्बाद कर दिया गया था। फिर उन्होंने एक दफ़ा इसको पूरा रेनोवेट किया था, पूरा इसको नया किया था, लेकिन उसके बाद फिर से इसको तबाह किया गया था, तो उन्होंने फिर उसके बाद नहीं किया और उसी हालत में छोड़ दिया। अंदर से इन्होंने रेनोवेट किया इसको दोबारा से, सही किया इसको, लेकिन बाहर फिर उसी हालत में रहने दिया, क्योंकि उन्होंने पहले भी दो दफ़ा किया था, लेकिन फिर से जब फ्रेंच लोगों के साथ जंग हुई थी तो वो जाते हुए अपना गुस्सा इसमें उतार के गए थे। तो ये पैलेस हैदराबाद सिटी में मौजूद है, सिटी के बिल्कुल कोने पे है और ये तकरीबन 80 मीटर हाइट पे है स्टार्ट से, जो नॉर्मल सिटी है ना उससे 80 मीटर ऊपर है ये पैलेस। और इस लो से इतनी ऊपर बना हुआ है कि नीचे से पूरा सिटी नज़र आता है, ये देखें। तो ये पैलेस की बैक साइड, इधर गार्डन बने हुए हैं साथ, तो ये है एक एरिया, ये पिछला एरिया, वो दूसरी साइड पर मेन उसका गेट है, उस साइड पर थे पहले हम। तो ये पैलेस का गार्डन है, ये लोग काफ़ी बैठे हुए हैं इधर और काफ़ी सफाई है इधर, ये पत्ते गिरे हुए हैं सिर्फ दरख्तों के, वैसे उन्होंने काफ़ी सफाई रखी हुई है इधर। और ये गार्डन में मुझे घोड़ा मिला है, ये तीन टांग वाला घोड़ा पहली दफ़ा देखा है, ये देखे पीछे एक टांग आगे दो पीछे लगाई हुई है इसके, और उसके पीछे आपने वो देखे किधर, वो देखे पीछे उसके ब्रश लगा हुआ है इधर, इसका मतलब है कि सफाई रखें इधर, मतलब कि जो कुछ करता है कोई सफाई करता है, अगर घोड़ा भी कुछ करेगा तो वो भी सफाई का ख्याल इतना इन्होंने रखा है, सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि सफाई का खास ख्याल रखें। ये जो बाबा आपको नजर आ रहा है, ये इसी अंकल जी की वजह से, इसकी लापरवाही की वजह से ये सारा श्लोस तबाह हुआ था, ये देखिए अभी भी आराम से लेटा हुआ है, इसको पता ही कोई नहीं है। तो श्लोस देख लिया, अब जा रहे हैं नीचे सिटी के अंदर, तो अब सिटी सेंटर में भी काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, तो वो देखेंगे जाके। ये जिस ब्रिज पे मैं इस टाइम हूँ, ये भी वर्ल्ड वार टू में इसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा था, यूरोप के जो ओल्ड ब्रिजेज हैं ना उनमें से एक है, तो ये ब्रिज भी वर्ल्ड वार टू में बच गया था, पूरे यूरोप में बहुत कम ब्रिज बचे थे जिनमें से ये एक था। पहले ये ब्रिज लकड़ी का था, तो 1784 में पानी आया था बहुत ज़्यादा, जो कि इधर तक आया था, जिधर मैं हाथ है वो निशान लगाए हुए उन्होंने, तो वो सारा इधर उसको तबाह कर दिया था, पूरा ब्रिज तबाह हो गया था पानी की वजह से, इधर तक पानी आया था वो निशान लगा हुआ है, और उसकी वजह से ये पानी सिर्फ ब्रिज पे नहीं, सारा अंदर सिटी सेंटर के अंदर से पानी गया था और काफ़ी नुकसान पहुंचा था। और ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाली, ये भी वर्ल्ड वार टू के ज़माने की है, वर्ल्ड वार टू के दौर में अक्सर जो मारते थी ना, अक्सर बिल्डिंगें तबाह हो गई थी वर्ल्ड वार टू में, लेकिन ये उनमें से एक है जो बच गई है, और अब इसको होटल बना दिया गया। और ये इस टाइम मैं जिस स्ट्रीट पर चल रहा हूँ, तकरीबन पिछले 10-15 मिनट से चल रहा हूँ अभी इधर ही, ये स्ट्रीट पूरे जर्मनी की सबसे लंबी स्ट्रीट है और पूरे यूरोप की भी, जिधर गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, सिर्फ लोगों के लिए बनाई गई है, उस हवाले से ये सबसे लंबी तरीन है। तो सारा दिन घूम आए हैं और अब सिटी सेंटर से आए हैं ट्रेन स्टेशन पे, अब घर को जाने की तैयारी है, और मेरा हैंड इसलिए शेक कर रहा है क्योंकि मेरे पास गिम्बल नहीं है इस टाइम, और धोखा धोखा हुआ ये कि
मास्क मेरा तो है ना, अब ये देखिए दोनों साइड से टूट गया इसका, तो अब ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा हाथ में, ऐसे करके जाना पड़ेगा घर तक। चलते हैं फिर घर, अभी 2 घंटे लगेंगे इधर से घर जाते हुए।